कवर्धा चावल वितरण में गड़बड़ी को लेकर जोगी कांग्रेस ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। अपने ज्ञापन में जोगी कांग्रेसी ने कहा कि अधिकतर सहकारी विपणन केंद्रों में भारी अनियमितता बरती जा रही है, कई स्थानों से अनेकों शिकायतें आ रही है। अजीत जोगी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अश्वनी यदु ने कहा कि शासन द्वारा दी जा रही अतिरिक्त 5 किलो चावल नहीं दिया जा रहा था। जानकारी के अभाव में प्रति व्यक्ति को 5 किलो के जगह 5 किलो प्रति कार्ड दिया गया। वहीं कई राशन दुकान में चावल की बोरी तौल कराने पर 45 किलो निकलता है। कई स्थानों में शिकायत आती है कि शक्कर का वजन 1 किलो के जगह 900 ग्राम दिया जाता है और वजह बताई जाती है कि चींटी गोदाम में शक्कर खा जाती है, जिसके कारण 100 ग्राम काटा जा रहा है। अजीत जोगी छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष रविचंद्र वंशी ने कहा कि शक्कर का दर 17 रुपए प्रति किलो है, मगर कई केंद्रों में 20 रुपए प्रति किलो लिया जा रहा है। कई केंद्रों में मिट्टी तेल की कालाबाजारी हो रहा है, जिसकी वजह अनिवार्य है। आगे अपने ज्ञापन में जोगी कांग्रेस ने कलेक्टर को जांच टीम गठित कर कड़ी कार्यवाही करने की मांग रखी है एवं निवेदन की है कि चावल वितरण में पूरी जानकारी आम जन तक पहुंच पाती, जिसका फायदा कालाबाजारी करने वाले उठाने लगते हैं। शासन की जो भी योजना हो वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसा व्यवस्था की जाना चाहिए। आज ज्ञापन सौंपने के दौरान अजीत जोगी युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव चेतन वर्मा, अजीत जोगी छात्र विंग के जिला अध्यक्ष रंजीत वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष अतुल राज, नरोत्तम खांडे, अंजोर दास कोसले, उत्तम साहू, कामेश साहू, तिलक साहू, दीपक बंजारे, फिरोज खान एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कबीरधाम से डॉक्टर मिर्जा की रिपोर्ट।